हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और इसमें आप जितना कीन इंटरेस्ट आप लेंगे तो आपके लॉ के कॉन्सेप्ट्स, आपके ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स, आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। देखिए, ये कहानी है, ये बात है दो कंपनियों की, श्री इक्विपमेंट फाइनेंस और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों कंपनीज कोलकाता की है, कनोरिया ग्रुप है, कनोरिया ब्रदर्स है, ये दोनों कंपनियों को चलाते हैं। इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनी आज के डेट में 35,000 करोड़ इन्होंने मार्केट से उठाया है, मार्केट को 35,000 करोड़ पेएबल है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, 11,000 करोड़ पेएबल है। मतलब दोनों कंपनीज मोटा मोटी मार्केट को 44,000 करोड़ पे करना है, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें इन लोगों को, पब्लिक को, NCDs नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पे करना है। अब इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल था, पैसा उठाना डिबेंचर्स के थ्रू, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और फिर आगे पैसा देना, बीच में जो इंटरेस्ट उनको बचता है वो कमाना। वेरी गुड बिजनेस मॉडल। लेकिन इन्होंने गलत काम किया। इन्होंने क्या किया, ये पैसा जो उन्होंने उठाया था फाइनेंसिंग करने के लिए, इन्होंने गलत तरीके से मैलिफाइड इंटेंशन रखकर इन्होंने रिलेटेड पार्टीज को ये पैसा डाइवर्ट किया, और टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं थी, ये जो रिलेटेड पार्टीज है उनके इंटरेस्ट में थी, प्रमोटर्स थे उनके इंटरेस्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी। जैसे सिक्योरिटी कम रखना, इंटरेस्ट रेट कम रखना, और रीपेमेंट बहुत सारे लोन्स का होता ही नहीं था, बस लोन्स रिन्यू होते चले जाते थे, रिन्यूअल पे रिन्यूअल होते चले जा रहे हैं, या फिर ऑन पेपर ऐसा दिखा रहा है कि लोन रीपे हो चुका है, लेकिन बस सब एडजस्टमेंट एंट्रीज है। लगभग ग्रुप का 14,000 करोड़ उन लोगों ने इस तरीके से डाइवर्ट किया, और RBI ने जब देखा कि ये कंपनियों की हालत थोड़ी खराब हो रही है, उन्होंने इंस्पेक्शन करवाया, फिर स्पेशल ऑडिट करवाया, और देखा कि गलत काम चल रहा है, सीधा उसको इंसॉल्वेंसी में डाल दिया कि भाई ये कंपनियों को इंसॉल्वेंसी में डालो, इसका कंट्रोल प्रेजेंट प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर्स में ट्रांसफर करो। फिर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हुए, उन्होंने बीडीओ को अपॉइंट किया कि भाई आप ऑडिट करिए कुछ डाउटफुल ट्रांजैक्शंस का, और उन्होंने देखा कि फ्रॉड है। फिर KPMG को भी अपॉइंट किया था, उन्होंने बोला फ्रॉड है। अब मजे की बात यह है, इसके अंदर कनोरिया ब्रदर्स बोलते हैं कि बीडीओ बेवकूफ है, KPMG बेवकूफ है, इनको नॉलेज नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, इनको फाइनेंसिंग बिजनेस नहीं समझता, फाइनेंसिंग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझती, और ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन को भी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं इनकी रिपोर्ट, अगर इन्होंने अपनी रिपोर्ट बराबर वापस पीछे नहीं ली तो हम कोर्ट में जाएंगे इनके अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेंगे। नाउ गाइस, यहाँ पे सीखने वाली बातें क्या क्या है। सीखने वाली बात ये है दैट ऑडिटर्स नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल। जब भी वो एग्जामिनेशन करके अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि चांसेस है दैट कोई भी व्यक्ति उनकी रिपोर्ट पे उंगली उठाए, और उस वक्त उनके डॉक्यूमेंटेशन इतने स्ट्रांग होने चाहिए, दे शुड बी एबल टू प्रूव देयर रिपोर्ट करेक्ट। ये बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात है कि खुद को सेफ रखना ऑडिटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ओनली बिकॉज 30-35 साल से कोई ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, तो वो अच्छे ही होंगे, सही ही होंगे, ये कभी भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि भाई इतने सारे ऑडिट्स हुए हैं, इतनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, सब सही होगा, आपने निष्पक्ष होकर हमेशा हर बार चेकिंग करनी चाहिए। इस केस में यही देखने को मिला कि ये काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन जब हालत ख़राब हुई तभी ये चीज़ें बाहर निकल कर आई, करेक्ट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें IBC को लेकर सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं।
मैं शुभम सिंघल सर को बोलूंगा, उनको टैग करूंगा कि सर आप इस केस में कनोरियाज वर्सेस बिग फोर्स के केस में आप आईबीसी का पॉइंट ऑफ व्यू आप भी बताएं, ये मैं ज़रूर ज़रूर बोलूंगा। और मैं जय चावला सर को भी बोलूंगा कि जो अकाउंटिंग एंगल है कि इन्होंने किस तरीके से डिस्क्लोजर्स में चीज़ों को छुपाया, वो भी ज़रूर ज़रूर बताएं। गाइज इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे केसेस में अगर आप आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आपको सब्जेक्ट में कीन इंटरेस्ट आएगा। और BDO और KPMG ने फॉरेंसिक ऑडिट किया इनका, फॉरेंसिक ऑडिट किया उसको IBC के अंदर, मतलब फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस किए, ट्रांजैक्शनल ऑडिट भी बोलते हैं अंडर सेक्शन 6। सो गाइस वेरी इंटरेस्टिंग, आपने इसको और पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, ताकि आपका नॉलेज और बढ़े और आपका इंटरेस्ट और बढ़े।